सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बस बहुत अच्छा लग रहा है, आज ईद है और हम लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग भी कमेंट्स में बताना क्या आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। और पता है आज ना इस बार हम ईद ना अलग तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। पता है क्या होता है, हर बार हम लोग क्या करते हैं, हर बार हम लोग घर में होते हैं और सब चीज़ बनाते हैं और सारे गेस्ट घर में आते हैं और फिर हम लोग उसको इंजॉय करते हैं, ठीक है। इस बार हमने सोचा है कुछ डिफरेंट तरीके से मनाते हैं। अपने हस्बैंड से मैंने बोला कि हर बार बस वही कि ठीक है हम कहीं चले जाते हैं, गेस्ट हमारे घर आ जाते हैं, हम गेस्ट के घर चले जाते हैं, तो बहुत सालों से ईद बस इसी तरह से मना रहे हैं। क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स से हम लोग इंडिया नहीं जा रहे ईद पे, नहीं तो क्या होता था कि हम लोग 2 मंथ्स के लिए इंडिया जाते थे, मतलब 2 मंथ्स 3 मंथ्स हम लोगों के इंडिया में, हम मीठी ईद पे जाते थे और बकरीद से 1 वीक आफ्टर 1 वीक हम लोग रिटर्न होते थे। बट 2-3 साल से हम लोगों की ईद सऊदी अरब में हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार, और तभी भी वहां रहते थे ना, तो यही कि गेस्ट आ गए हमारे घर और फिर हम लोग गेस्ट के घर चले गए, तो इसी तरीके से हम लोगों की बहुत साल से ईद हो रही है। बट इस बार हमने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट तरीके से ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि पहले मेरी यूट्यूब फैमिली नहीं थी ना, तो अब मेरी यूट्यूब फैमिली हो गई, तो मेरा यूट्यूब फैमिली बोलेगी कि चलो मेरे इस बार डिफरेंट तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इस बार हमने क्या क्या ईद पे किया है। अच्छा, तो हमने तो अब इस बार बाहर निकल गए, तो शीर खोरमा हम पहले बना के खावा के हम लोग आ गए, घर से निकले हैं। अच्छा, आप लोग हम लोगों की तरफ से 1 बाउल शीर खोरमा खा लीजिएगा। मेरी जितनी भी YouTube फैमिली है, मतलब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, और जो नहीं भी है ना, जो मुझे सिर्फ देख रहे हैं वो लोग भी, ठीक है, तो सब लोग। अच्छा, तो अब हम एक चीज और मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ, तो ये जो एक्सपेरिमेंट रहा है ना, ये टू गुड रहा है, पता है, टू गुड। आप लोग भी ना जरूर ये एक्सपेरिमेंट करिएगा, पता है, सीरियसली मैं बता रही हूँ। पता क्या रहता था कि अरे सुबह उठना है, अच्छा हाँ रात में सब कुछ रैप अप करके सोना है कि ठीक है ये भी करना है ये भी, और फिर मॉर्निंग में उठो कि क्लीनिंग है, फिर सारा डिश आउट करना है, फिर गेस्ट आ रहे हैं, फिर ये बड़ा मतलब बर्डन। बट इतना रिलैक्स लगा ना मुझे, मैंने बोला, और आप लोग भी ना पक्का इसे ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी ना ये मतलब बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक चीज और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ठीक है हाँ फैमिली जैसे होती है तो फैमिली के साथ भी आप ये लोग ये कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब ये नहीं कि अरे जिसकी फैमिली है ना तो वो लोग भी इस तरह का एक ट्रिप प्लान करें और आप लोग जाएं और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सीरियसली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने तो बहुत इंजॉय किया और मुझे बहुत मजा आया, तो आप लोग भी ये चीज जरूर कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फिर मैं ज्यादा बोर नहीं कर रही हूँ तो मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगी, और अब हम लोग जाते हैं और मैं अपनी फैमिली से आपको मिलवाती हूँ, उन लोग वो मेरी फैमिली आपको ईद मुबारक बोलेगी, फिर उसके बाद हम जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो मैंने सोचा है कि चलो अपनी फैमिली से, तो भाई मेरी यूट्यूब फैमिली है तो यूट्यूब फैमिली से तो बनता है ना, पहले मैं उनको तैयार। और हाँ, दिस इज मेरा आज का ईद का मेरा आउटफिट, तू है मेरे पास, कल मैं जो दूसरा पहनूंगी सब आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने ना बहुत हैवी ड्रेस नहीं ली, पता मैंने ज्यादा हैवी ड्रेस इसलिए नहीं ली ना, वो लेके और फिर वो अलमीरा में, और मेरे पास इतनी हैवी ड्रेसेस हो गई ना, मैं परेशान हो गई, तो बस मैंने कॉटन का लिया है, एक लाइट सा, मैंने बोला एक लाइट सा कॉटन का लेती हूँ जो मेरे यूज में भी आ जाएगा और मुझे अच्छा भी लगा, और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था तो बस मैंने इसे पिक कर लिया। देखिए ये मेरी मेहंदी है, और थैंक यू सो मच शीजा, ये मेरे फ्रेंड ने लगाई है, देखिए और बहुत अच्छी लग रही है मेहंदी, और ये देखिए, और मैंने ना बस बच्चों के साथ ना ये फ्रंट यहाँ नहीं लगाई है, क्योंकि फिर बच्चे की अम्मा ये कर दो, तो बस मैंने ये लगाई। और थैंक यू सो मच शीजा, थैंक यू सो मच, और प्लीज ईद एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। और तो चलिए फिर, अब मैं अपनी फैमिली के साथ मिलके आपसे, और रेशु के जहान की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। यस, अब हैप्पी हो के ईद। Cheer, huh? Papa do. Yeah. Idi. Say Idi. Yeah. Thank you. Yes. Ali, na abhi dikhao beta. Dekho, bhai dikha raha hai. Abhi dikhao. Yes. Chalo. Ha. Yes. Chalo. Idi nahi hai hamari. I did it. Yeah. पचास कल पचास नहीं।
50 is enough. 50 riyal is enough. 100. No. क्या बचा बच्चा मुझे बच्चे बचा दे हंड्रेड ये ठीक है सलाम करो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिए सब जगह शेयर कीजिए।